गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है, पुणसी हो रखेगा नहीं, दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रखी क्योंकि भाई पूरे पैर में दर्द, दवाई इतना नहीं चला भाई, मैं कभी हेलीकॉप्टर गया था फिर भी ऊपर नीचे चढ़ने में इतने टाइम बाद पैरों की एक्सरसाइज हुई भाई, काफ में दर्द हो रहा, सोते सोते आवाज़ निकाल रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लगा, मतलब किसी ने बताया मुझे। देखो ये पैर टूटे पड़े कति, इसके चक्कर में मैं थोड़ी देर ना रेस्ट कर लेता, तो मैं सुबह से शाम तक सोगा भी नहाऊंगा, कपड़े कश्मीर जाना था मुझे, बट वे सारे भाई नाट के कह रहे ना भाई हमने काम है, तो मैं कश्मीर के हिसाब से बैग पैक करके गया था, पर हम वापस आ गए जम्मू तक ही, पर चलो कोई बात नहीं, इसमें तो कपड़े निकालेंगे ना लेते, मेरे पे यहाँ पर गाड़ी ना है, अर्चित लेना आ रहा मुझे, सामान लेके चलेंगे अपने घर, सिस्टम पाड़ेंगे आज। नहाया बाल्टी या मग्गा है? बाल्टी मग्गा है। हाँ तो हम भी बाल्टी मग्गे था, नाम है क्या होगी भाई, सामान पैक कर रहे हैं घर जा रहे हैं उल्टा, और क्या भाई सुन, एक काम करना हो यार अर्चित, ये दो चीज़ फेंक देना बाहर डस्टबिन में, तेरे संतरा खानी है भाई, कितनी गरीब को दे देंगे। अरे यो ना, और संतरा रखिए, ये तो खाली मैंने ला भाई, सामान सामान सारा, ये मेरी डाइट है भाई, जो मैं खाना खुना खाई करूँ, हमारी अंबिका जी बेचती हैं, और इसमें भी अपना सामान है, इसमें तो डिग्गी तो होगी नहीं, जो कहीं जाएगा फिर इधर रख के जाएगा है, पीछे भी था। ओ माय गॉड, सामान के साथ ये फोटो, ये थ्री व्हीलर है क्या आपकी फोटो जो आपने लगाई थी, ये माता रानी की फोटो है, फोटो फोटो ढंग से रखो, ये रखो भाई पहले भाई, अभी तो मुश्किल ही आएगा भाई, माता रानी की फोटो उधर कर दे बिल्कुल, अभी सामान मत रखिए पहले, बैग में दियो तो पकड़िए पहले। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गाड़ी, यो क्या है भाई, चेंज के लिए? हां कोई तुम्हारा तो बिना पूछे खोल देगा, आधे घंटा तक खोल देगा यार, तो मैं वो करूंगा तब से वो तब खोलेगा, ये लगा एक बार, इतना ही सामान है यार, तोड़ दी नई गाड़ी, नई गाड़ी तोड़ दी भाई, कैसे फिट कराओ हमने, ऊपर रख दो सारी चीजें भाई, बढ़िया लग रही चेन अपने, और भाई शूट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है भाई, शूट तो होगा, ये बताओ यार तुम घर गृह प्रवेश कब करा रहे, कितना कंप्लीट हो गया घर भाई, सब पूछा मेरे तो सेम चीज की, एलिस भाई तुम्हारा घर बन रहा था, बन रहा है मतलब, जो कि उसका गृह प्रवेश कब है, कब शिफ्ट हो रहे हो, मैं कहा भैया तुम्हें पता भी कितनी दिक्कतों से बना ये है, पब्लिक को तो पता भी ना कितनी दिक्कतों से बना हमारा घर, इसलिए टाइम लग रहा है इसमें, आज बताओगे क्या बताने की ना, मैं तो मतलब जो लोग बिलीव करते हो उनको पता लग जाएगी, जो ना करते हो भाई मेरा एक्सपीरियंस सुन लो, हमारे घर मारती भाई बहुत दिक्कत, मतलब कई चीज़ कुछ बोलते हैं उनको जमीन से रिलेटेड चीज़ें, मुझे पता नहीं पापा को ज़्यादा पता, ये मतलब मैं ही बोल सकता हूँ कि दिक्कत आ रही थी हमारे घर में, घड़ी दिक्कत आ रही थी, फिर मम्मी तो मैंने ऐसे ऐसे बताई, मैं कहा यार क्या सिस्टम है, हम शिफ्ट होएंगे क्योंकि मेरे सारे टावर तो शिफ्ट हो लिए पहले ही, तो मम्मी ने कही कि ऐसे ऐसे भाई अपने एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ दिखा दो, क्योंकि मेरी मम्मी इन चीज़ों में बिलीव करती थी, मैं नहीं करता था भाई पहले, सही बताऊँ मैं, माँ का सा मैं नहीं करता था, उसके बाद भाई एस्ट्रोटॉक पर हमें मिली संगीता जी, उनने सही सिस्टम बैठा दिया, मतलब वो कुछ नहीं करती भाई, वो डेट ऑफ बर्थ पूछा है, मतलब जैसे मैंने संगीता जी से बात करी तो तेरे डेट ऑफ बर्थ पूछेगी, और तेरे टाइम पूछेगी, और बर्थ टाइम किस चीज़ का, बर्थ का, हाँ जब तू पैदा हुआ, और तेरे बर्थ प्लेस पूछेगी, उसके बाद भाई खुद ही बताती जावे सारी चीज़, हाँ सॉल्यूशंस भी तो बता देना, पहले तो दिक्कत बता दे खुद ही, अच्छा कि ये दिक्कत हो रही है, हम तो पूछे भी है, देखो डिटेल में शेयर करी हमने सारी चीज़ की, भाई जी ऐसे ऐसे मैम ऐसे ऐसे है हमारा, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, उनने फिर उसका सोल्यूशन दिया, उपाय बताया, उपाय होते हैं इन चीज़ों को बोलते उपाय, तो सही बता रहा हूँ मैं जेन्युइन, अब देख लो थोड़ा सा रह रहा घर कंप्लीट होने में, यार खूब चार मंजिली चिन दिया तुम्हारे भाई ने, बढ़िया, तो हमारे तो काम करे भाई वे उपाय, और जिसको पूछना हो, जिसको इस चीज़ में मतलब थोड़ा वो हो कि हमें भी मतलब वो कंसल्ट क्या, करना पे तुम घर घर से रिलेटेड है, कुछ भी पूछ सको, कुछ भी पूछ सके भाई, जो तुम्हारे घर में दिक्कत चल रही है, या फिर तुम्हारी पर्सनल जो अलग अलग टाइप की, यार करियर वगैरह सब चीज़ की, करियर की भी, घर की, पर्सनल लेवल की, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, तो अपने कुछ भी पूछ सका भाई अपने, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ एस्ट्रोटॉक का, और पहली चैट फ्री भाई की तरफ से, ठीक है भाई अपने जाओ, संगीता जी से बात करो एस्ट्रोटॉक पे गाइस, यस ब्रो। अच्छा या फोन में देख के बताया या भाई, एक बार जा रहे नए वाले घर पे, अपने यहाँ से तो निकल लिया, मैं कह रहा हूँ तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, आज बताओ, आज घर पे चल के ना एक वो करेंगे Q&A सेशन वर्कर्स के साथ, ठीक है? अच्छा है, ठीक है ये उनको टाइम पर खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पगार मिल रही नहीं मिल रहा, आज चेक करके आएंगे कि क्या मेरा बापू संभाल पा रहा या हमें टेक ओवर करने की जरूरत है, पापा की उम्र तो नहीं हो गई है, है भाई सारी चीज पता करके आएंगे, नाम नहीं संभाल पाऊंगा वैसे, ऑन ग्राउंड काम ये तो ऑब्वियसली भाई, जो चीज बापू संभाल सके वो बालक थोड़ी संभाल सके यार, ऑब्वियसली बात है,
एक बार एक और अर्चित की मम्मी संभाल लेगी नो डाउट, बट फिर भी क्यों भाई अर्चित अर्चित की, अर्चित की जो मम्मी है ना, अर्चित की मम्मी पापा भी है मम्मी भी है। वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हो सिस्टम है भाई, क्या अंडर पास है देखो। इतनी ट्यूब देखे, इतनी ट्यूबलाइट लग रही है अभी आएगी, देखना कितनी ट्यूबलाइट लग रही है। ये बता इनके बिल आता होगा तो कौन भरता होगा? सब हम भर रहे हैं भाई। एग्जैक्टली हम भर रहे हैं, और कौन भर रहा है? अर्चित ना भर रहे, इनकम टैक्स ही नहीं देते भाई। मेरा पापा नहीं दे टाइम पर, मैं इतना कमाता नहीं तो मैं भी दे देता। अच्छा, अपना बैंक अकाउंट चेक करना भाई साहब कभी। अच्छा ये दे भी तो नहीं रहोगा 50%। गाड़ी कहाँ चाहिए फिर? गाड़ी अर्चित का बापू लाया तो लग से कह दे कि हाँ वो फिर मैंने तो दिए। भाई ठीक है आज कोई दिक्कत ना, मुझे देखो दोबारा वापस करके लगा देंगे। अरे गर्मी हो रही, गाड़ी में हीटर ऑन कर रखा है क्या? सब बंद है भाई, सब बंद है। लो कुछ तो गाड़ी में गर्म सिस्टम है भाई। अच्छा मैं बैठ गया ना, ले भाई गाड़ी चला रही। ओ गाड़ी बंद होगी, ओ ओ गाड़ी बंद हो गई थी गाइस, सॉरी। क्लच वाली गाड़ी चलानी भूल गए बाबू। अरे थोड़ी स्पोर्टी गाड़ी है, मैंने चलानी। म्यूजिक है इसमें, देख देख स्विफ्ट कागो मरने आ रहे हैं सब। मैं तो ये देख रहा हूँ, बन बैठी अपने बाप की ना सुने कवे मने डैडी। वही तो सुनाई नहीं मैंने, आगे भी है गाना इसमें। वाओ भाई अपनी सीरीज जिसने नहीं देखी वे गुड़गांव वेब सीरीज जाके चेक कर आउट भाई, डिस्क्रिप्शन विच लिंक हैगा। और ना मैंने एक वीडियो देखी ट्विटर पे, उसमें क्या हो रहा था भाई साहब, लाइव काउंट मेरे चैनल के लाइव काउंट व्यूज के एकदम बढ़े और फिर कम हो गए भाई। फिर से काम शुरू कर दिया तुमने भाई। भाई चैनल पे, मेरे चैनल पे तो 24 घंटा कोई ना कोई साड़ा बैठा रहता भाई। मत किया करो यार ये सब, पता नहीं कितना नुकसान होना। कर लो भाई कर लो यार, मैंने टेक्निकल टीम को बोल रखा है कि भाई साहब इसके पीछे का रीज़न पता करो, व्यूज कैसे ड्रॉप हुए, एक बार जो व्यू आ गया वो कम कैसे हुआ। और बाहर बंदे भी बैठा रखे पकड़ने के लिए, मिलता ही उड़ाओ। पंख लगा देंगे उसके, पंख लगा देंगे भाई। ये जो बंदा है ना लेफ्ट में जो हमारे चला रहा है, इसको चलानी नहीं आती, कोई यंग है, उतर के दिखा दे यंग है, इस गाड़ी में मलंग है। चलो भाई नए वाले घर पे इंटरव्यू लेने जा रहे गाइस, बाय बाय। वो बेचारी बाइक टैक्सी पे जा रही है, उससे पूछ लो भाई लिफ्ट चाहिए क्या। अरे जगह ही नहीं है गाड़ी में, कहाँ बिठाएंगे? शर्म नहीं आई? नू नहीं कह रहा कि क्यों पूछेंगे उसको? अरे किसी को भाई तो कर रहे हैं भाई, किसी को यूं जा रही है ना बेचारी अपनी, ट्रैफिक तो बचती। दिल में बैठा ले अपने, दिल में बैठाएगा कैसे भाई? शीशे पहले भी थे यार, पहले भाई क्या था भी लगे, ये रेलिंग वाले, ये बालकनी के जो ये नहीं है पहले, अभी तो अभी वो कहाँ है बोलेगी उसने एक बार भाई, क्या नाम उसका भाई भूल गया मैं तो, नाम भी भूल गया भाई। इधर आइए दोस्त, मुझे तो लगा वो अलग है कुछ चीजें, झूठा बनाने इनको थे, पहले थे ना यार भाई, अभी 50 का नोट देके झूठ बुलवा रहे हो आप। 50 का नोट भाई, 50 का नोट देना मेरा वापस। नहीं मेरे पास नहीं अभी, चाबी है बस, चाबी देके मैं झूठ बुलवाया। झूठ बोल, पिछली बार मैं आया था, पिछली बार भी थे शायद, मैंने पुराने व्लॉग में खोल दिया था। अपन पता भाई लाइट, अब ये लाइट तो अभी लगी होगी, अपन 50 ही पेंडिंग में रखे हैं। हैं लाइट पहले की लग रही है, दो फ्लोर रेडी भी हो गया, हमें तो ना बताई पापा ने। एक मिनट भाई की थोड़ी समस्या है, इसको क्लियर करके आया मैं जरा। भाई हमारे लिए जॉब छोड़ के आया भाई, क्या नाम भाई साहब? मिथिलेश यादव। कहाँ से हो भाई आप? मैं बिहार से हूँ भाई। आपको क्या सेवा चाहिए भाई, क्या क्या कह रहे थे आप अभी? मुझे यही चाहिए कि मैं कनाडा के लिए वहाँ आना चाहता हूँ, वर्क परमिट मिल जाए, वर्क परमिट नहीं टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाऊँगा, लेकिन वहाँ मेरे को देखने के लिए किसी तरह का फ्रॉड ना हो भाई। भाई कहीं कनाडा में देखा तो अच्छा सा एम्बेसी कॉन्स्टिटेंसी जो भी देखे आप प्लीज़ बताने की। हाँ भाई को कॉन्टैक्ट करना भाई, क्या किस चीज़ पर कॉन्टैक्ट करें आपको? भाई को परेशान मत करना भाई, नंबर है, भाई को परेशान मत करना।
बड़े दूर से आया भाई, अगर जेन्युइन हेल्प हो सके, मैं जानता नहीं भाई को, पर जेन्युइन हेल्प हो सके तो भाई की कर देना भाई, नंबर बता दो अपना 8789824722। ठीक है, जिस तरीके की भाई की हेल्प हो सके कनाडा से रिलेटेड भाई की कर देना, हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे आपके। और प्लीज़ परेशान मत करना फ़ोन करके कि एल्विस भाई का एड्रेस कहाँ है, ये सब आउट ऑफ रेंज हूँ मैं इन चीज़ों में ना, तो ये मत करना, तंग हो जाओगे भाई, तुम समझ रहे हो ना। जी जी, तुम उम्मीद लेके आए हो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी हेल्प हो, तो जो भी देख रहा हो भाई, भाई की हेल्प कर देना अगर कर सको तो, जेन्युइन। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। भाई खुलता कैसे है, मेरा मेरे घर का दरवाज़ा नहीं खोलना, फिंगरप्रिंट नहीं आपके, भाई वो मत दिखा, अरे एक दिखा रहे हो ना, दिखाया और इतना बड़ा पासवर्ड है तो दिख जाता तो भी ना खोल पाता कोई, हम तो भूल जाएंगे इसमें क्या, ओए इसमें तो बात आ रही है, यो हाँ तुम आ जाना इसमें, दो भी अच्छे पर्ली शर्ट भाई सही रेंट बना देंगे भाई, एक बार चूड़े बना लेंगे उसके बाल भी हाँ यहाँ। ठीक है भाई, ये कच्चे किसके सूप है भाई, हमारे पहले कोई रेंट भी लग गया इधर मेरे, अच्छा तुम्हारे हैं ये भी ठीक है, अरे कैसे खुला है ये, अंदर से खुला है, अंदर से खुला है, तो बाहर से खुल गया ये, तो बाहर से खुल गया इसको तो पता ही नहीं है, ये क्या स्कैम हो रहा भाई, कोई बात नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये अलमारी है ना, पिछली बार भी हुआ था इधर, तो ऑब्स्टेकल्स हैं। अब जा रहे भाई ऑफिस की ओड़ी, जो मेरा ऑफिस बन रहा सेकंड वो कितना कंप्लीट हो गया, कुछ तो हुआ है, इतने दिन बाद आए हैं, कुछ तो हुआ होगा भाई, क्या क्या हुआ इसमें दोस्त, इसमें सर पैंट हो रहा है, पैंट हुआ है, और जीन्स, जीन्स कोट कुछ सॉक्स वो ये सॉक्स मजे ले रहे भाई, भाई हमारा फोन नंबर है भाई, भाई चेंज हो सका है, कलर डाल दिया, होपलेस नंबर डाल दिया तुमने तो, ठीक है लिफ्ट अभी चालू ना होगी, ये क्या हो रहा है, ये किसका फोन नंबर है भाई, नंबर नहीं लाइट चसाएगा भी भारत है, देखियो तू भाई एकदम से ना, यहाँ पे जादू देखना, लाइट तो लगी ना भाई, लाइट ना इसमें, पिछली बार तो ठीक, ये क्या है पागल बना हुआ, ये स्मोकिंग साइरन ताकि अर्चित कभी सिगरेट पिए, अरे वो भाई मेरा पियो, ठीक है भाई ओनर कहीं पागल बना रहे, लाइट ना, और ये लग रही क्या बात है, लाइट है तो वैसे भाई ये है ऑफिस, कैसा लग रहा है, थोड़ा लो ऑफिस, कोई सोफा लगेगा या टीवी लगेगा, ठीक है छप्पर, वो तो डिजाइनर बताएगा ना इंटीरियर वाला, मेरा कमरा कौन सा है, अरे यहाँ तो हम रह करेंगे, थारे घर ना है तो पड़ेगा, ठीक है आओ भाई, अब वर्कर का ऊपर है, हाँ ऊपर, उनसे मुझे कुछ सवाल पूछना भाई, तुम्हारे हिसाब से ये कितना टाइम हो गया हमारे घर को बनते बनते, मैं अभी 1.5 साल चल, और इससे पहले 3 साल से तो बन रहा है, हाँ नहीं कोरोना से पहले से बन रहा था, याद है मुझे, हाँ कोरोना से, ओहो 4 साल तो होने वाले, देखो भाई ऐसा क्या है, हम पे पैसा ना आएगा इसको बनाने के लिए, या फिर हम बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, है भाई काम का मेरा ठीक है, सही हो रहा, हाँ गलती जड़ जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे तो लाइट है भाई घर में, अब मैनेजर भाई यहाँ पे, ला भाई यो देख सोता, यो तो ना था पिछली बारी, नया बनाया, ये नया बनाया ना, इसमें क्या लगेगा भाई, इस पर लगेगा वीनियर, क्या लगेगा वीनियर, वीनियर यू कह रहा है, अरे वो सिंगमाइक का जैसा होता है, हाँ अच्छा वो टेक्निकल वर्ड है, जो हमारी रसोई रही, रसोई का भाई, रसोई भी कुछ बनी दो रसोई, वेरी नाइस भाई साहब, क्या नाम भाई आपका, शानू नाम आपका, अरे वाह, मैं कह रहा हूँ भाई जैसे आपने घर देखा बाहर से, जी आपके हिसाब से ये जब तक कम्प्लीट हो जाएगा ये इंटीरियर, नहीं अभी तक इसमें कितना पैसा लग गया होगा सर, आपके हिसाब से कि इतना बड़ा घर बनने में कितना पैसा लगता है, सर इतना तो मैं हिसाब भी नहीं लगा, बाकी करोड़ों रुपए करोड़ से तो ऊपर ही है, करोड़ से तो ऊपर ही, पर कितने करोड़ है तुम्हारे हिसाब से, कितने भाई, 5-6 करोड़ रुपए लग गया इस घर में खड़े हुए, पापन तो मोटा पैसा फूंक दिया रे, हम तो ना बताई, चलो ठीक है, सही लग रहा है तुम्हें भाई, ये मैं कह रहा हूँ घर अच्छा है, चलो भाई भाई यार बाकी ऊपर है, रेलिंग लगाऊंगा मैं, अच्छा रेलिंग लगाते हो आप, इस पे रेलिंग लगी है, ओके ऐसे रेलिंग चलेगी भाई, इस पे क्या शीशा लगा रहे, क्या लगा रहे हो, इस पे मुड़ाई का काम है, मुड़ाई का काम है, बढ़िया है ना, मतलब सौदा
तो ये कहाँ तक जाएगी? पूरी ऊपर तक जाएगी? पाउडर रूम क्या होता है भाई, इसको बंद कराना। तो मतलब आपने देखा ना पाउडर रूम में? पाउडर रूम करा हुआ है। बोलेगा अरे तो गेस्ट वॉशरूम है पाउडर रूम। अरे पाउडर रूम लगा पाउडर में। अरे भाई यही होता है गेस्ट वॉशरूम। पाउडर लगाएगा मैं कह रहा हूँ ताकि ताकि मेरे बालक ना गिर जावे बाकी बाद में। इसलिए रेलिंग लग रही है भाई। ये रहा भाई घर का व्यू देख लो भाई लोग। और क्या क्या करोगे भैया? ये बहुत शौकियाना होता है तो चीज भी ऐसी लगती है। आपने और मतलब कब से काम कर रहे भाई इस लाइन में? मुझे 15 साल हो गए भाई। तो शीशा लग रहा था बड़ा बेस्ट है। बड़ा शीशा लग रहा था। शीशा भी लग रहा है। शीशा भी लग रहा है। यहाँ पे तो भाई पेंटिंग लगेगी पूरी फैमिली की हमारी। और यहाँ झूमर लगेगा। हाँ फैमिली फोटो लगेगी इधर। ये इधर और यहाँ लगेगा झूमर बीच में। ऊपर कितना होगा? ओला है भाई ऊपर भी हुआ रे। ठीक है ना ऐसा ठीक भाई। अरे मैं गंदा हो गया क्या इधर से? नहीं ला भाई काम तो चल रहा जोरों शोरों से। दिस इज बार एंड दिस इज ला भाई। ये तो हमारा चिलिंग स्पॉट है। वो आपसे कही थी वो बनवा लेना एक सिनेमा रूम। कहाँ है वो सिनेमा रूम? उधर है भाई। सब थिएटर बनवा रहे हैं। इसमें बनवाएंगे थिएटर आपका? इसमें तो नहीं बनाएंगे अलग से। थिएटर में देखने में ज़्यादा मज़ा, घर पे मज़ा ना आए। एक ये रूम है एक अपने। और क्या क्या हुआ इसमें? इसमें और ये लाइट लग रही है और ये छोटा छोटा काम हो रहा है। जैसे ये बन गया है कि जब पिछली बार आप आए तो आता था, अब ये पूरा हो गया है भाई। अच्छा ओके। इसमें दारू दूर रखी जाएगी जो मैं कनेक्ट करूँगा? ओके कूल। तो यहाँ पे वो भी तो बनवाओ यार। हाँ वो इसमें खड़े होकर सर्व करूँगा मैं। हाँ हाँ वो भी बन रहा है। इसमें वो भी बनेगा? ये भी ठीक है। ये तो चलो मेरा रूम हो गया। भाई हुआ तो है काम भाई। पापा काम तो करवा रहा नो डाउट। इधर क्या है? बेड के पीछे का है ना ये? हाँ सराहना है यहाँ पीछे बेड का। बेड के पीछे का सामने टीवी। कूल। वॉशरूम कितना हो गया अपना? बढ़िया हो गया वॉशरूम तो। ये तो चेंजिंग रूम है। ये मेरे भाई यार बैठे। क्या हाल है भाई? ठीक हो तुम? क्या नाम तुम्हारा? अजहर। क्या नाम? अजहर। अजहर कहाँ से भाई? बरेली। ओ माय गॉड माय बरेली फ्रेंड फ्रॉम बरेली। बहुत बढ़िया भाई। क्या चल रहा है इसमें भाई? क्या कर रहे हो तुम? ये बनाईडी है भाई। हैं बनाईडी। अरे कौन कौन से शब्द हैं? मैंने अरे इसके कैबिनेट बना रहा है। कैबिनेट बना रहा है इसके। उस पे टक टक चिपका रहा है भाई। कब तक कंप्लीट होएगा अपना सौदा? ये हो जाएगा। सुन ली अभी तो सुन ली लगा हो जाएगा। अपना काम से काम रख। जाते रह घर है तेरा घर है। अगले व्लॉग बना दे रहा है। देर इन द मैप या सी साएगा बड़ा या शीशा आएगा। ये तो ठीक है। यो देखना तू कितनी तगड़ी चीज है जो भी है इसमें भाई। आएगी इसमें आएगी वॉचेस और बेल्ट का। और लाश किस में रखेंगे? लाश मार के किसी को ये ना सकता है ऐसे खोल वाला। अगर मेरी बहू की तो कमर में दर्द रहे वो क्या खोलेगी? इतने झुकने के बाद इतने ऐसे प्रोफाइल लगेगी। झुकती कुछ कर दे कोई पीछे है भाई। इसे प्रोफाइल लगेगी अभी। अच्छा प्रोफाइल है कौन सी? लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल लो प्रोफाइल डाल देंगे। हां ये भी ठीक है। 20 इंच यो मेरा गेट। तुम्हें पता मैं इसमें गेट नहीं रखवा रहा। मतलब कि ये बेडरूम है और ये और वॉशरूम में गेट नहीं है। ये तो थोड़ा प्राइवेसी का वो है। ये क्या है? इसमें गेट है? हां झूठ बोलो निकाल लो सामने सामने। मुझे भी आज पता लगी पर गेट तरफ होना चाहिए प्राइवेसी शो। मोटा गेट है भाई। मोटा गेट दिखा इसके। हां भाई बात ना मोटा गेट अंदर बोल गया बात और भी सही मोटा गेट है तो इतना हाथ पता नहीं लगेगा अंदर कौन गया। अरे ये उसके लिए होगा कि वॉल में ढक जाएगा ये गेट। पता नहीं लगेगा बाहर से कि। अच्छा हां 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 ठीक ठीक। हमारे साथ मेरे बहुत ही प्रिय भाई हैं जोरावर सिंह नामधारी। भाई साहब स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। भाई ने मुझे दिया भाई एक तो शिलाजीत और भाई ने दिया मुझे एक भस्म की डब्बी। तो भाई वो समझाओ और भस्म का क्या सिस्टम है? वो जी हमारी फेमस भस्म है गोल्ड अबरक केसर कस्तूरी कायाकल्प 72 हर्ब्स। ओवरऑल वेलनेस के लिए पावर्स के लिए मल्टीविटामिन्स के लिए ओवरऑल मेल फीमेल दोनों के लिए बेहतरीन चीज़ है। बेस्ट क्वालिटी है और हमारा बहुत ही पुराना काम है और एक्सट्रीम लेवल रिजल्ट्स हैं जी सर। भाई मैंने हो गया मेरे को वैसे 10-15 दिन खाते हुए। एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करती है वो। और क्या क्या भाई प्रॉपर आप ही समझा पाओगे? ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया मल्टीविटामिन्स हो गए मिनरल्स हो गए पावर्स हो गई कोलेस्ट्रॉल हो गया हाई बीपी कंट्रोल करता है और मल्टीविटामिन पैदा करता है और नो साइड इफेक्ट्स बेस्ट क्वालिटी। तो भाई कभी जाओ भाई की साइड। तो भाई कहाँ पे अपनी शॉप है? जी 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 हमारी जी एक तो बहनी साहब में है श्री बहनी साहब 9 सेक्टर चंडीगढ़ में है मुरथल में है अमृतसर में है लुधियाना में है जलंधर है एंड टोटल 17 आउटलेट्स हैं हमारे जी गुरु जी की। बहुत बढ़िया जी।
मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, जैसे मैं बोलता रहता था कि मैं शिलाजीत खा रहा हूँ, अब मैं भसम खा रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा अभी घर पे रखी है मेरे, तो पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है, अपने इम्यूनिटी के लिए, अपनी बॉडी के लिए, सारी चीज़ अपने बढ़िया ठीक हो जाएगी भाई, तो मिल लेना। बाकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भाई की शेयर कर दूँगा, ये मैं समझना प्रमोशन प्रमोशन है भाई, अपने खास नए वाले घर पर ही आ रखें, तो भाई की मैं डिटेल शेयर कर दूँगा। ओके रिपोर्ट ला भाई, बाय बाय घर बाय, हम तो बाहर भी हाथ ना निकाल पा रहे हैं, ये घर पे ले एक बार, मेरी डाइट का टाइम हो गया, इधर से ले लो भाई साहब, मेरी डाइट का टाइम हो गया, और क्या कहते हैं मेरा पार्टी का टाइम हो गया भाई, मसाज भी ना ली बाल को ने, ले लेंगे भाई, इतनी तो ठंड भी ना जी, इतने सिकन लग रहे हैं, ऐसी तो कोई ठंड ना भाई, पहले इतनी ठंड पड़ती थी, बहुत ठंड है बेटा, हम तो गाड़ी में चल रहे हैं, हां बहुत वैसी गाड़ी ना तेरी, हो ले बाहर कौन सी ठंड है, इतनी ठंड ना जितनी पिछले साल, कपड़े पहन रखे भाई, कुछ नहीं पहन रखा मैंने, इसके अंदर एक स्वेटर ही तो पहन रखा, उसके अंदर टी शर्ट, उसके अंदर नीचे एक गर्म बनियान, यही तो पहन रखी है, इधर ले लो, एक काम करो गांव के अंदर ले लो मेरे भाई, यहां से जाम लगेगा, वैसे ले लो यहीं से लो, जल्दी अरे तू ले लेना है, बहुत बड़ी गाड़ी ले रहा है तो फंस जाएगी, उधर देख कर रही हो भाई, कुछ ना लगे, मैं हूं ना मैं जब आया था तभी पूरे थे, अरे तेरा सवाल रखे, सामान खा जाएगी भाई, जो बना मैंने क्यों छोड़ दिया, क्यों अरे ब्लॉग बना लिया, ना तेरे पापा आगे नहीं कहूंगे, मैं जो भी लेकर आया था वो कहाँ है, मेरा नाम लगा देगी झूठा, मैं तो भाई मशीन पे बैठा था, अभी मसाज चल रही है हमारी तो बढ़िया भयंकर, मतलब अभी तो बंद करी है मैंने, चला दूंगा दोबारा इसको, चला दूं मैं, इसने थोड़ी देर होगी मसाज करवाते वैष्णो देवी तो चल रहा, पैरों में पिंडियम दर्द हो रहा था, मसाज तो करी, चलो इसने बढ़िया वाली, भाई पूजा भट्ट का शॉल नहीं है इसलिए मुझे पसंद नहीं आया, बट मम्मी ने मेरे ऊपर डाल दिया, मुझे सिर्फ पूजा भट्ट के शॉल ही पसंद है मम्मा, ब्लैक वाला तेने फेंक तो नहीं दिया, तो बैग में ही है वो, तीन चार हुडी नहीं मिल रही, कौन सी नहीं मिल रही, पिछले साल वाली में से मम्मा, आपकी दो लोई नहीं मिल रही, और क्या क्या नहीं मिल रहा मम्मा, आपका लड़का मिल गया है, लड़की की बहू मिल गई, भाई मेरा ऐसा मानना है कि सपोज इफ यू आर विद समबडी, मेरा ऐसा मानना, बताए मैं गलत हूँ सही हूँ, सपोज हमें कोई पसंद है तो जल्दी जल्दी शादी कर लो, टाइम मत दो, ना तो क्या होता है कि क्या होता है मम्मा बताना, जैसे पापा और आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे एक टाइम पे, तो वो आपने कितने टाइम बाद शादी कर ली, दो महीने में शादी कर ली, ये भी ठीक है, जिसे नहीं पता भाई मेरे पापा मम्मी की लव मैरिज है, मम्मी की साइड से तो अरेंज है, पापा प्यार में पड़ गए थे मम्मी के मेरी मम्मी पूरे गांव में सबसे सुतरी थी जब आई थी, गलत कह रहा हूँ भाई, मजाक सट के माँ कसम भाई, मेरी मम्मी सबसे सुतरी थी गांव में जब आई थी, जब नई नई शादी हो गई थी, मम्मी बताना बता दे कौन था तेरे सुतरा, यहाँ पे गांव में था कोई, ना तेरे गांव वाले चरण लग जाएंगे अब सारे, ना तेरे से के तो अपने बाल को तो झूठी कहानी बता वे क्यों झूठी क्या, मेरी मम्मी सुतरी ना भाई, कमेंट करके बताना मेरी मम्मी सुतरी ना यार, इतनी बढ़िया मेरी मम्मी पे तो गया हूँ मैं, है ना मोटा, तेरे डाडी लगा दो तू मैं लगूंगा और मेरी डाडी हटा दो तो शायद मैं तब तो मैं ही लगूंगा, तब भी मैं, तेरा कुछ अलग सिस्टम है, मेरे देते मुरमुरे ना तू ही खा सके, खाने पे तो हक मम्मी का ही है, मैं कह रहा हूँ भाई मम्मी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, मेरी LB वाली टी शर्ट मम्मी ने धो दी, तो क्या करना था उसका, अब क्या करना था उसका ड्राई क्लीन, भाई एक बड़ी बड़ी टी शर्ट की ड्राई क्लीन के 100 रुपए दूंगी मैं, इट्स ओके, LB की टी शर्ट थी मेरी, धो दी, ड्राई क्लीन होती है मम्मा, वो तुम्हें बतानी चाहिए थी ना, हर बार तो ड्राई क्लीन हो रही थी, आज कैसे धोई, भाई ये बात बताऊं मैं तो थक गई ड्राई क्लीन के पैसे देती यार मम्मा, वो कपड़े वो ड्राई क्लीन नहीं होते मम्मा, खराब कर दी यार, और दूसरे लिए कितने की थी वो, ये रकम दे, वही दे दे जो तेरा हाथ में रहने दे, पापा आओगे तो तेरा अंदर आओगे, ठीक है झूठा इल्जाम लगा दे, मैं दांत में फंस रहे हैं, खाओगे भाई लोग, आ करो आ नहीं कर रहा कर मुंह फाड़ रहा है, देखा मत ना, चुपचाप काम कर ले मोटे, देख ले कितना काम कर रहा हूँ मैं
ये तो गाइस भाई दो प्रसाद मिले मेरे को, एक तो ये है, दिस इज ऑफिशियल प्रसाद, ये यहाँ से मिला मुझे, देखो दिखाता हूँ, ये देखो इसको मैंने नहीं खोला अभी तक भाई, मम्मा इसको खोलो आप, अरे मैं कश्मीर थोड़ी गया मम्मा, ये देखो ऐसे नहीं खुलता है, वहाँ पे टेप लगी है, मैंने तो पता भी नहीं इसके अंदर क्या आ गया भाई, पता नहीं कुछ पाता होगा, अच्छा मोटा तने खोल लो ना आवे, आवे तो है खोलना, तो तने कैसे बंद कर रखा है, मैं फोन पकड़ू तू खोल लेना मैं भी देखू तू कितना दिमागदार है या मम्मा खोल दिया तूने तो, यस दिस इज ओह पैक है सारा, ये तो भाई खील है, ये जय माता दी, जय माता दी, ये हैं एक दो, दो हैं ये, और वो वाला प्रसाद है जो मैंने व्लॉग में दिखा था, इसमें एक में सिक्का होता है, खजाना होता है, अच्छा, और एक में मिश्री होती है, सारों में, ये एक और सेम, सुन अभी जहाँ पे वहाँ तुमने मंदिर के दर्शन करे थे वहाँ पे जो प्रसाद मिला था वो कहाँ है, वो भी मेरे पास है, दूसरे घर में, और ये नहीं पता मेरे को क्या मम्मा पंचमेवा प्रसाद है, पांच तरह के प्रसाद होंगे ना इसमें, हाँ तो इसमें सब चीज़ है, ये वो प्रसाद है अलग वाला, इनको रख लो दूसरा, भाई साहब कड़ार भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कड़ार भाई साहब भाई हम भाई दूर जा रहे हैं, एक बार मिलन दे लेने भाई, पार्टी करने जा रहे हैं, पार्टी नहीं मतलब पार्टी, गेट टुगेदर बेसिकली, या गेट टुगेदर मैन, गेट टुगेदर यार, या कह चुके हैं जा रहे हैं अपने, बढ़िया इंजॉय मारेंगे, कदे कदे टाइम मिले रात नहीं निकल सके हम, सुबह तो हमारे पर टाइम ही खा रहा है भाई, सारे भाई यार आ रहे हैं, अंजुल भाई राघव सर सिस्टम ऑल एवरी गुड, तुषार भाई एवरीवन, या एवरीबॉडी इज कमिंग एंड सी यू गाइस एट द पार्टी, ले भाई अपने गाने बजा के, कोई बढ़िया गाना बजा, गाना कौन सा, अरे ये दुखी वाले गाने ना चाहिए, ले भाई नो मर्सी ढंडा भाई, बढ़िया गाने चाहिए, तगड़े तगड़े गाने सुनते जाएंगे आज, यार तेरा बंदा आम नहीं मेरा यारिया में नाम न्यू है बदनाम नहीं, न्यू है बदनाम नहीं मेरा यारिया में नाम न्यू है, कल्ला कल्ला जाना चौकी थाना छोरी रहे आई नास की पर खड़ के मोड़ा पे नहीं मारी आस की, जिंदगी की एक सच्चाई बताऊं, चाहे तुम नॉर्मल आदमी हो, चाहे तुम कितने बड़े आदमी हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, दिक्कत सबके घर में रहवे, चाहे पर्सनल लेवल पे, चाहे पैसे की दिक्कत, चाहे करियर की या फिर और भी बहुत प्रकार की दिक्कत रहवे, तो भाई मेरा तो ये मानना है कि एक बढ़िया सा एस्ट्रोलॉजर ढूंढो और उससे बात करो, पक्का सोल्यूशन मिल जाएगा, और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है एस्ट्रोटॉक का, डाउनलोड कर लो भाई एस्ट्रोटॉक ऐप, वहाँ पर मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो पहली चैट फ्री मिलेगी तुम्हें, और अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन सारी चीज़ करो, बढ़िया खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है भाई, डाउनलोड एस्ट्रोटॉक गाइस।